स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जवान और किसान एक बार फिर से आमने सामने हैं। आप देख रहे हैं किसान बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर दिल्ली चलो के नारे के तहत रैली निकाल रहे हैं। अब से कुछ ही टाइम पहले ही हमारे देश में फार्मर्स के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए थे। आप देख सकते हैं 2 साल के अंतराल के बाद वही नजारे फिर से नजर आ रहे हैं। और इसी बीच कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनके मुताबिक ये प्रोटेस्ट ऑपोजिशन के कॉज को सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। साथ ही इसी बीच यूएस बेस्ड खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो में खालिस्तानी एलिमेंट्स को फार्मर्स प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा है। फसलां थोड़ियां, जमीनां थोड़ियां ते काबज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली को चलती। मोदी दी इक ते ला दो खालिस्तान दे झंडे, इस मोदी दे घर दे उत्ते खालिस्तान झंडे लगा दियो ते दिल्ली फतेह दा ऐलान करो। और तो और अपने इस वायरल वीडियो में ये लोगों को मोदी पॉलिटिक्स किल करने के लिए उकसा रहा है और साथ ही इसने फार्मर रैली में लोगों को खालिस्तानी फ्लैग रेज करने की हिदायत दी है। दोस्तों, देखा जाए तो प्रोटेस्ट बहुत ही सेंसिटिव टाइम पर सामने आया है। हम सभी जानते हैं अब से 3 महीने में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जाहिर है कि इन प्रोटेस्ट पर भी राजनीति के पापड़ सेंके जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर आने वाले चुनाव में इंडिया ब्लॉक जीत जाता है तो वो किसानों के लिए MS स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग MSP को लीगली गारंटी कर देंगे। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि यूपीए सरकार ने जब साल 2007 में नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स अप्रूव की थी तो उस टाइम पर उसमें MS स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। खैर, अब आज पर वापस आए तो सवाल ये उठता है कि आखिर सबके पीछे असल मुद्दा क्या है, वो कौन से कारण है जिनकी वजह से किसान फिर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये साल 2021 के प्रदर्शन से कैसे अलग है, और क्या इसके मुद्दे वाकई किसानों के असली मुद्दे हैं या फिर यहाँ किसानों के आड़ में चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें कि टॉपिक UPSC मेंस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में, अनुराग पांडे नाम है हमारा। और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, किसानों द्वारा इन प्रोटेस्ट की शुरुआत 13 फरवरी को हुई जब पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने दिल्ली की ओर अपनी रैली को शुरू किया। दोस्तों, देखते देखते रैली वायलेंट प्रोटेस्ट में तब्दील हो गई और इन फार्मर्स ने अपने ट्रैक्टर्स और हथियारों का इस्तेमाल करके बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया। देखा जाए तो इसी के चलते चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उपद्रव पैदा करने और लोगों के दैनिक जीवन को परेशान करने के लिए जबरन दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। खबरें कुछ यूं छपी हैं कि पुलिस ने विरोध मार्च कर रहे किसानों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। देखिए, असल में किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को कृषि और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों को अपनी मांगे ईमेल की थी, जिसके संदर्भ में 8 फरवरी को कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 10 सदस्यीय बैठक की। जब किसान और मंत्री बात कर रहे थे तब हरियाणा सरकार ने 8 फरवरी को पंजाब के साथ अपनी सीमाओं को सील करना शुरू कर दिया। सोमवार शाम तक दिल्ली की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर शंभू बैरियर पर 12 लेयर्स की एक ह्यूज बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और फतेहाबाद, खनौरी और डबवाली जैसे कई स्थानों पर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। साथ ही कई जिलों में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। राजस्थान ने 11 फरवरी को पंजाब और हरियाणा के साथ अपनी सीमाएं सील कर दी हैं। देखा जाए तो साल 2020 की तुलना में इस बार हरियाणा की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। आपको याद हो तो 26 नवंबर 2020 को पंजाब के किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए थे और साल 2020 में किसानों को देश की राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने कड़े कानून लागू किए हैं। सड़कों पर कटीले तार और सीमेंट के बैरिकेड लगे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में एंट्री कर पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है और हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी। दोस्तों, पुलिस ने राजधानी दिल्ली के चारों ओर सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं को सील कर दिया है और संसद और दिल्ली के मध्यभाग की ओर जाने वाली अलग अलग सड़कों पर बैरिकेड्स की कई लेयरिंग्स लगा दी गई हैं।
आपको बता दें कि साल 2020 के प्रोटेस्ट का नेतृत्व भारतीय किसान संघ और संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, जबकि दिल्ली चलो विरोध का नेतृत्व बहुत सी यूनियंस द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, UPSC सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेस्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप देखेंगे तो पहले के विरोध प्रदर्शनों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के लगभग सभी किसान संगठन, जिनकी संख्या 40 से अधिक थी, वो सब संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आ गए थे। आप देख सकते हैं संयुक्त किसान मोर्चा भारत के 500 से अधिक किसान संघों का प्रमुख निकाय, जिसने कृषि कानूनों के खिलाफ साल 2020-21 आंदोलन का नेतृत्व किया, वो इन लेटेस्ट प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है। दोस्तों पंजाब में सबसे बड़े भारतीय किसान यूनियन उग्रहण सहित 37 कृषि संघ SKM का हिस्सा है। साथ ही SKM ने 16 फरवरी यानी कि आज ही के दिन ग्रामीण भारत बंद का अपना आह्वान किया था, लेकिन SKM दिल्ली चलो आंदोलन का हिस्सा नहीं है। मोर्चा ने सोमवार शाम एक बयान जारी कर कहा कि भाग लेने वाले किसानों का कोई दमन नहीं होना चाहिए, और भारतीय किसान यूनियन उग्रहण ने भी एक बयान जारी कर मार्च को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के कदमों की आलोचना की है। आप देखेंगे तो लास्ट कुछ ईयर्स में किसान संघों का परिदृश्य बदल गया है, और इस बार संयुक्त किसान मोर्चा apolitical और किसान मजदूर मोर्चा ने किसान विरोध 2.0 का ऐलान किया है। दोस्तों राकेश टिकैत और गुरुनाम सिंह चारुनी 2020 में किसानों के विरोध के दो प्रमुख नेता थे, लेकिन इस बार संयुक्त किसान मोर्चा apolitical के नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल और महासचिव सरवन सिंह पंधेर सबसे आगे हैं। देखिए इस बार विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के एक टूटे हुए गुट द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पिछले विरोध प्रदर्शनों से प्रमुख किसान नेताओं को बाहर रखा गया है। दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल एक गुट है, जो जुलाई 2022 में मूल संयुक्त किसान मोर्चा SKM से अलग हो गया, और इसके कोऑर्डिनेटर पंजाब स्थित भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर फॉर्म के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल हैं। संघ जो मुख्य संगठन के नेतृत्व के साथ मतभेद के बाद SKM से अलग हो गया। दोस्तों इन सब के अलावा मौजूदा विरोध प्रदर्शन में मौजूद दूसरे संगठन किसान मजदूर मोर्चा का गठन आप देखेंगे तो पंजाब स्थित यूनियन किसान मजदूर संघर्ष समिति के संयोजक सरवन सिंह पंधेर द्वारा किया गया था। देखा जाए तो किसान मजदूर संघर्ष समिति 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ, और इसके बजाय इन्होंने दिल्ली सीमा पर अपना एक अलग मंच स्थापित किया था। दोस्तों विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अपना आधार बढ़ाना शुरू किया, और जनवरी के अंत में KMM की घोषणा की, जिसमें पूरे भारत से 100 से अधिक यूनियंस शामिल थीं। आज के डेट में किसान मजदूर मोर्चा 100 यूनिट्स और संयुक्त किसान मोर्चा 150 से अधिक फार्मर यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आइए बात करते हैं इनकी मांगों की। दोस्तों पिछली बार फार्मर्स प्रोटेस्ट की मुख्य मांग कृषि कानूनों को रद्द करने की थी, जिसे सरकार ने लगभग 2 साल के विरोध प्रदर्शन के बाद स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बार किसान केंद्र सरकार से ऐसे उपायों की मांग कर रहे हैं जो उनके मुताबिक फार्मिंग की फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए आवश्यक है। वो सरकार से अपनी उपज के लिए बेहतर कीमतों की मांग कर रहे हैं, और इस बार किसानों की टोटल 12 मुख्य डिमांड्स हैं। दोस्तों उनके इस 12-पॉइंट एजेंडे की सबसे मेन डिमांड सभी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP की गारंटी के लिए एक लॉ बनाने और डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फसल की कीमतों का निर्धारण करने की है। आपको बता दें कि साल 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स सेटअप किया गया था, और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट साल 2006 में प्रेजेंट की थी। देखा जाए तो इस कमीशन को इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक यानी कि MS स्वामीनाथन द्वारा हेड किया गया था, और वहीं से इसका नाम MS स्वामीनाथन कमीशन पड़ गया। दोस्तों ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट की मुख्य मांग में MS स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू करना शामिल है। रिकमेंड किया था कि MSP को उत्पादन लागत से 50% अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2020-21 में हुए आंदोलन के दौरान किसान यूनियन द्वारा MSP की सुरक्षा के लिए इसी तरह की मांगें उठाई गई थी, लेकिन किसानों का तर्क है कि सरकार ने पिछले आंदोलन को खत्म करने के लिए कई वायदे किए थे, लेकिन उसने उनमें से सभी को पूरा नहीं किया है। सरकार ने जुलाई 2022 में MSP को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के तरीके तलाशने के लिए आप देखेंगे तो कमेटी ऑन MSP का गठन किया था। दोस्तों MSP के साथ साथ इसके जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने, क्रॉप पैटर्न्स डिटरमाइन करने का काम सौंपा गया था, लेकिन केंद्र ने कहा है कि प्रमुख किसान संघों में से एक संयुक्त किसान मोर्चा ने
कभी भी समिति में किसी सदस्य को सिलेक्ट नहीं किया है। खैर, मौजूदा आंदोलन पर वापस आए तो एमएसपी जुड़ी मेन मांगों के अलावा फार्मर्स गन्ने की बेहतर कीमतें, 60 साल से ऊपर के सभी किसानों के लिए 10,000 रुपए की मासिक पेंशन, लखीमपुर खीरी घटना के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और इंडिया के लिए WTO और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एग्जिट करने जैसी डिमांड्स कर रहे हैं। साथ ही किसान 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान किए गए मामलों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठते हैं कि डिमांड्स आखिर वैलिड कितनी है, तो इनको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एमएसपी किसान विरोध की सबसे प्रमुख विशेषता बन गई है। किसान ऐसा कानून चाहते हैं जो हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दे, और जैसा कि आप जानते हैं कि एमएसपी वो प्राइस है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और इससे उन्हें उनकी उपज के लिए सुनिश्चित आय मिलती है। देखा जाए तो कीमत किसानों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि उन्हें अपनी फसलों के लिए उचित मूल्य मिले। खासकर जब बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है या जब बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे गिर जाती हैं। हालांकि एमएसपी की घोषणा 23 फसलों के लिए की जाती है, लेकिन असल में अधिकतर चावल और गेहूं के लिए ही काम करती है। ये दो फसलें पंजाब के अधिकांश किसान हर साल बारी बारी से उगाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार को अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इनकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, एमएसपी के तहत सबसे अधिक फसल खरीद पंजाब और हरियाणा से होती है, जिनमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उपज होती है। ये दोनों फसल सरकार की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सपोर्ट करती है। सरकार कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशंस के आधार पर साल में दो बार एमएसपी को निर्धारित करती है। आपको बता दें कि भारत के एमएसपी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में गेहूं और चावल की कीमतों से अधिक है, लेकिन किसान एमएसपी के लिए लीगल गारंटी चाहते हैं। और किसानों का तर्क है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाकर किसानों के मार्जिन को सुरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, एमएसपी को फार्मर्स के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में वाइल्ड फ्लक्चुएशंस के बीच एक एसेंशियल सेफ्टी के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लॉ फार्मर्स के लिए उनके अच्छे से अधिक उनके लिए एक बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। दोस्तों, मुद्दे से जुड़े एक एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया में क्रॉप्स का मिनिमम प्राइस सिक्योर करने के बजाय भारत को फार्म इनकम्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ये पीएम किसान स्कीम को एक्सपेंड करके और उनके लिए डायरेक्ट इनकम सपोर्ट को इंश्योर करके किया जा सकता है। देखा जाए तो एमएसपी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में उपयोगी थी, लेकिन आज के दौर में वो इनएफिशिएंट हो गई हैं। आप देखेंगे तो इसे चावल और गेहूं की खेती में भारी विस्तार हुआ है। आज भारत के पास अपनी जरूरतों की तुलना में दोगुने से भी अधिक अनाज का भंडार है। साथ ही पैडी की खेती में हुई बढ़ोतरी से पानी का भी अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है, और मुफ्त बिजली का मतलब पंजाब और हरियाणा में धान उगाने वाले क्षेत्रों में जलस्तर एक अस्थिर दर से कम हो गया। दोस्तों, एमएसपी पर गेहूं और चावल की गारंटीड परचेज के सिस्टम ने एक पावरफुल लॉबी को भी जन्म दिया है जो इस प्रणाली को संरक्षित करना चाहती थी। देखा जाए तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब हमारे पास भोजन की कमी थी तो एमएसपी सपोर्ट का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन अब भारत को अनाज के अलावा अन्य वस्तुओं में दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। सो ऐसे में सरकार एमएसपी और किसानों द्वारा बेची जाने वाली दर के बीच मूल्य अंतर का भुगतान करने पर भी विचार कर सकती है। आप देखेंगे तो हरियाणा और मध्य प्रदेश ने भावांतर भरपाई योजना या मूल्य अंतर मुआवजा योजना नामक योजना के तहत इस विकल्प को आजमाया है। दोस्तों, एमपी की भावांतर भुगतान योजना के तहत राज्य सरकार ने किसानों की फसलों के लिए एमएसपी और उनकी औसत बाजार दरों के बीच अंतर का भुगतान किया है। साथ ही किसानों को खुले बाजार में एमएसपी से नीचे अपनी उपज बेचनी पड़ी तो उनको पैसा मिला। हरियाणा में कीमत अंतर के भुगतान के अलावा अगर कीमत में अंतर कम है तो सरकार कुछ निश्चित मात्रा में भी उपज खरीद सकती है ताकि खुले बाजार में कीमतें बढ़ जाएं। हालांकि दोनों ही मामलों में योजना त्रुटिपूर्ण देखी गई है, और खामियां दूर होने पर योजना एमएसपी कानून का विकल्प हो सकती है। साथ ही इन सब के अलावा फार्मर्स एक ऐसा लॉ डिमांड कर रहे हैं जिसके तहत उनके द्वारा कल्टीवेट की जाने वाली सभी क्रॉप सेंट्रल गवर्नमेंट से एमएसपी प्रोक्यूर कर पाएं। लेकिन आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की टोटल वैल्यू 40 लाख करोड़ थी, जिसमें डेयरी फार्मिंग हॉर्टिकल्चर और एमएसपी क्रॉप्स सब शामिल थे। दोस्तों, अगर हम केवल 24 एमएसपी क्रॉप्स को देखें तो साल 2020-21 में उनकी टोटल मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ थी, जबकि साल 2022-23 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एमएसपी पर 2.28 लाख करोड़ के फूड ग्रेन्स प्रोक्यूर किए। ये देश में प्रोड्यूस की गई टोटल एमएसपी क्रॉप्स का 25% था। ये 2014-15 के कंपैरिजन में 115% ज्यादा था। तब गवर्नमेंट ने एमएसपी पर क्रॉप्स खरीदने के लिए 1.06 लाख करोड़ स्पेंड किए थे। साथ ही क्वांटिटी के टर्म्स में फूड ग्रेन्स का एमएसपी बेस्ड प्रोक्यूटमेंट साल 2014-15 में 761.40 लाख मीट्रिक टन था, जो 2022 में 1062.69 लाख मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन फार्मर्स उस इंक्रीज से भी खुश नहीं है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंजाब में कृषि कई स्ट्रक्चरल चैलेंजेस से जूझ रही है, जिसके लिए गारंटीड एमएसपी एक स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि इससे उलट उनकी स्थिति और भी खराब होती जाएगी। साथ ही एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पंजाब में कृषि के बाकी संकटों को शायद ही कभी एमएसपी जितना महत्व देते हैं,
दोस्तों, शॉर्ट साइटेडनेस किसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आज पंजाब की कृषि के सामने सबसे बड़ी समस्या डेजर्टिफिकेशन है। आप देखेंगे तो गिरता वाटर लेवल उपजाऊ भूमि को रेगिस्तान में बदल रहा है। साल 2018 में प्रकाशित पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में ग्राउंड वाटर का एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन किया गया है और 2039 तक ग्राउंड वाटर रिसोर्स के पूरी तरीके से इस्तेमाल होने की संभावना है, जिसके बाद उपभोग के लिए केवल एनुअली रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज उपलब्ध होंगे। देखा जाए तो साल 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने पंजाब में ग्राउंड वाटर रिसोर्स का ब्लॉक वाइज मूल्यांकन किया। रिपोर्ट के मुताबिक मूल्यांकन किए गए 150 ब्लॉकों में से सिर्फ 17 ब्लॉकों में ग्राउंड वाटर लेवल सुरक्षित क्षेत्र में पाया गया है। साथ ही कम से कम 133 ब्लॉकों में ग्राउंड वाटर रिसोर्स का एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, जिनमें कम से कम 6 गंभीर क्षेत्र में थे। दोस्तों, केंद्रीय भूजल बोर्ड के मापदंडों के मुताबिक सुरक्षित का मतलब है कि 70% से कम ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज निकाले गए और गंभीर का मतलब है कि 90% से अधिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को निकाला गया है। पहले 100 मीटर में पंजाब का भूजल अक्सर अच्छी गुणवत्ता का निशान कहा जाता है, उसकी 2029 तक समाप्त होने की संभावना है और 2039 तक ये 300 मीटर से नीचे चला जाएगा। दोस्तों, इतने बड़े चैलेंजेस के चलते पंजाब आज तेजी से रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है, लेकिन कुछ फार्मर यूनियंस के लिए हाई एमएसपी और अधिक सब्सिडी ही उनकी सबसे अहम प्रायोरिटीज हैं। दशकों से विशेषज्ञों के साथ साथ सरकार ने पंजाब की वीट पैडी साइकिल से बाहर निकलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। धान एक पानी की खपत करने वाली फसल है, जो ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल को बाहर निकालने के लिए आवश्यक सब्सिडी वाली बिजली पर पनपती है। लेकिन आज जब भारत में अनाज की कमी नहीं रही और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्य गेहूं उत्पादन में पंजाब के साथ कम्पीट कर रहे हैं, पंजाब अभी भी गेहूं धान चक्र में फंसा हुआ है। दोस्तों, अगर ये ऐसे बना रहा तो पंजाब का एक बड़ा क्षेत्र ढेर सारी फसलों के लिए अनुपयुक्त रेगिस्तान में बदल जाएगा और ये पंजाब के साथ साथ उसके किसानों के लिए भी खतरनाक है। लेकिन देखा जाए तो किसान नेताओं के बीच इनको एड्रेस करने की इच्छा शक्ति या साहस नजर नहीं आता है और यही वजह है कि पंजाब की कृषि पर सार्वजनिक चर्चा हमेशा हाई एमएसपी और मुफ्त सुविधाओं पर केंद्रित होती है। दोस्तों, आप किस पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसका भी जवाब हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।